हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नाश्ता जिसमें हम ऑयल की बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। बिना ऑयल की ये रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएंगे। जब आप ये बना के खाओगे तो आप इन्हें बना के बच्चों के टिफ़िन और नाश्ते के लिए बना सकते हो। चलिए बनाना शुरू करें। तो इन्हें बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेंगे एक कप चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो एक कप चावल को भिगो के उन्हें पानी से निकाल के फिर हल्का सा पानी डाल के मिक्सी में पीस लीजिए। तो इसके बाद हम मिलाएंगे ये आधा कप सूजी, सूजी के बाद ये आधा कप दही, और दही मिलाने के बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। पानी भी इतना ही डालेंगे, सबसे पहले आधा कप डालेंगे, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा इस तरह से हम डालते जाएंगे। तो पहले हम मिक्स कर लेंगे, आधा कप पानी आधा कप दही से हम मिक्स करेंगे। इसके बाद और पानी इस तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने के बाद मिक्स करके हम इन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और ये बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही हेल्दी है। आप सुबह सुबह बनाने के लिए रात को ही आप इन्हें इस तरह से तैयार करके रखिए और सुबह आप इन्हें बना के बच्चों के टिफ़िन के लिए दे सकते हैं। तो हमने इन्हें मिक्स कर लिया और अभी कवर करके रख देंगे। अभी हम सब्जी तैयार कर लेंगे इसमें डालने के लिए। सबसे पहले हमने गोभी ले लिया है, गोभी के बाद चुकंदर लिया है, और इसमें लिया है प्याज, कैप्सिकम, एक आधा टमाटर और थोड़ा सा गाजर लिया है, हरा धनिया ले लिया है, और साथ में लिया है ये अदरक और हरी मिर्च। मिर्च अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, और बच्चों को जो सब्ज़ी पसंद है वो सब्ज़ी आप डाल सकते हो। मेरे पास ये सब्ज़ी था तो मैंने ये सब्ज़ी सब दो तीन टेबलस्पून काट के ले लिया है। तो ये मैंने लिया है, ये अभी बैटर चेक कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है, और अच्छे से पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लेंगे। पतला ऐसे पतला करना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है, थोड़ा सा पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला करके रख लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सब्जी। सब्जी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें इतना बढ़िया कलर आ जाएगा ना तो आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे ये नाश्ता खाने के लिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस रेसिपी को पसंद आए तो लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, और इसमें और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। चिली फ्लेक्स अगर बच्चे के लिए बना रहे तो ना ही डालें। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने ये कटोरी ले लिया है। आप इडली स्टैंड पे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम थोड़ा सा चावल का आटा इसमें लगा लिया है, और इसमें डालेंगे इनो, एक पैकेट फ्रूटी इनो सॉल्ट डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखेंगे तो हम इसमें डाल के स्टीम कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए, और कलर कितना बढ़िया आया है नाश्ते का। बैटर तैयार हो गया है, अभी हम इस कटोरी में डाल देंगे, और ज़्यादा नहीं भरना है, आधा आधा भर देना है, और भर के फिर कटोरी इस तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैं दो कटोरी तैयार कर लिया है। इस नाश्ते को हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने दो गिलास पानी ऐसे उबाल लिया कढ़ाई में डाल के, और इसमें जाली स्टैंड रख दिया है, और इसके बाद इसके ऊपर रख देंगे ये कटोरियाँ। आप जितने बड़ी कढ़ाई लेंगे इतने ही कटोरी आएंगे, ढक देंगे, और 10 से 15 मिनट स्टीम होने के बाद चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता बन के तैयार है, फूला फूला देख रहे हैं। अभी हम चेक कर लेंगे। इस तरह से टूथपिक डाल के देखेंगे तो क्लीन आ जाए तो ये अच्छे से कुक हो गया है।
तो ठंडा हो गया है, मैंने इस तरह से सभी को बना के तैयार कर लिया है और इतना बढ़िया नाश्ता बन के तैयार है, ये देखिए। तो इन्हें डीमोल्ड करने के लिए तो इस तरह से मैं चक्कू से इस तरह से किनारे को रिलीज कर लूँगी और ये बहुत ही इजीली निकल जाएगा, ये देखिए। ये हमने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है और ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार, और कटोरी भी इतना क्लीन आया है और ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार बन के तैयार है, कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है। अरे बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बन के तैयार है, ये देखिए बहुत ही हेल्दी। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया सब्जी से भरा हुआ है और ये बहुत ही हेल्दी है। इन्हें आप चटनी या कोई भी सॉस के साथ, चटनी के साथ, सांभर के साथ और टमेटो रसम के साथ भी खा सकते हैं।